Good morning, guys. Oh my God. तो ये गाइस आज का आगाज होता है हमारी मॉर्निंग के साथ और आज जाना है हमें फ्लाई करना है इटली की ओर। तो एक तो सो लेट उठे और दूसरा एक तो सुबह सुबह उठ के जो है बातें भी नहीं होती और ना समझ में आता बंदा क्या करे क्या नहीं। आंखें बंद ऐसी होती हैं जैसे इनका बंद होने का हक होता है। तो ये है मेरा यूट्यूब चैनल, आपके लिए नया व्लॉग लेकर आया हूँ। आज हम इटली जाएंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का बटन दबाना का भी मत भूलिएगा। नई आने वाली वीडियो का वेट करिएगा और मजे मजे की बातें और साथ में जो है नई नई प्लेसेस जो मैं आपको दिखाऊंगा। अभी मैं उठूंगा और रेडी हो जाऊंगा अपने इटली रवाना के लिए। अभी मुझे बैग तो मैंने रात को ही पैक कर लिया था। अभी जस्ट मैंने खुद को धोना धाना है और कपड़े चेंज करके तो मेरे को निकलना है। ऑलरेडी हम लेट हो चुके हैं और मेरे दोस्त का भी जो है वो कॉल आया। मैंने उसको रात को कॉल किया, उसने पिक नहीं किया। सुबह भी मेरी थोड़ी सी आंख खुली थी तब मैंने उसको कॉल किया था, उसने पिक नहीं किया। चलो खैर, उसकी जो थी वो फिर भी क्या नाम है उसका वो मैसेज आया तो वो बाबा के पास था अपनी हेयर कटिंग करवाने के लिए। तो हम जो है वो जैसे उधर से रेडी होता है, मैं इधर से रेडी होता हूँ, हम दोनों जो है वो जल्दी से निकलते हैं और एयरपोर्ट पहुँचते हैं और एयरपोर्ट चल के हम आपसे दोबारा मिलते हैं। अभी दीजिए मुझे ये मेरी आवासियां। तो उठते हैं अभी और लेते हैं शावर और निकलते हैं। तो टेक केयर, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद एयरपोर्ट पे। बाय बाय, एयरपोर्ट मिलते हैं, जाना नहीं कहीं। हाँ तो गाइस, हम लोगों ने चेक इन कर लिया है, हम लोग अभी अंदर आ चुके। अभी हमारे पास जस्ट 10 मिनट हैं और हम लोगों ने जस्ट फौरन से जो है वो जहाज़ पे पहुंचना है। तो आगे किधर जा रहे हैं? इधर अभी किधर चली जा रही है? हाँ तो अभी हम जस्ट जहाज़ की ओर जा रहे हैं और कुछ ही देर में जो है हम जो है जहाज़ के अंदर भी एंटर करेंगे। तो लेट हो गया, बस कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ बस पहुंचने वाले हैं, मिलते हैं जहाज़ के अंदर। इसलिए कहते हैं कोई भी काम करो तो उस काम के लिए टाइम से पहुंचो ताकि आप लोगों को दौड़ना ना पड़े। इतनी दौड़ा दफ़ी, इतनी खेचल करनी पड़ी है हमको। बस और थोड़ा मिनट हम बस पहुँच जाएंगे वहाँ पर। फिर जो है ओ माय गॉड, मेरे को तो साथ भी भूल गए। लेट्स गाइस, हम लोग यहाँ पर पहुँच गए अभी इस टाइम और अभी थोड़ी ही देर में हम जो है वो जहाज़ के अंदर एंट्री करेंगे तो निकलेंगे। और गैस करें कि हम अभी इस टाइम कहाँ जा रहे हैं, हम यानी कि मैं और मेरा दोस्त, और मैं मौजूद हूँ आप लोगों के साथ यहाँ पर एयरपोर्ट में। मैं चेक इन करके बिल्कुल अंदर आ चुका हूँ और आप लोगों को गैस करना है कि मैंने अभी जाना किधर है। जाके मेरे टिकटॉक पे भी जाके ज़रूर मुझे फॉलो करें और यहाँ पर जाके यूट्यूब के ऊपर भी मुझे ज़रूर फॉलो करें। तो मिलते हैं फिर अभी जहाज़ के अंदर जाके, क्या कहते हैं कि नेक्स्ट एयरपोर्ट पे मिलेंगे। तो वेट एंड वॉच। हेलो गाइस, अब हम बैठने लगे हैं, हम जा रहे हैं। अब देखो, मैंने पता नहीं हूँ पीछे जाना कि मैं आगे जाना, लेकिन मैंने लगता मैं आगे ही बैठना। मैनू मज़ा आ गया, मैं ड्राइवर के नाल बैठना यार। तो जो जो ज्वाइन करना चाहता है मिलान आ जाओ। तो मिलते हैं वहाँ पर मिलान में, मिलान एयरपोर्ट पे मिलेंगे। जहाज पे सफर करने का भी अपना एक मजा है, लेकिन मुझे ज्यादा मजा वो ट्रेन पे
सीन है मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने आप लोगों को बोला था मैं आप लोगों को साथ में इंजॉय करवाऊँगा और आप लोगों को मैं हर चीज़ जो है वो दिखाऊँगा। हाँ लेकिन कितना मज़े का ये सीन है यकीन जाने जी, तो जा रहा है मैं यहाँ से चला रहा हूँ बाथरूम के अंदर। तो गाइस ये देखें नज़ारे ले जहाज के, आए कितना मज़े का, बाहर धूप लगी हुई है, बादल नीचे नज़र आ रहे हैं और हम ऊपर हवाओं में उड़ रहे हैं। अभी मैं यहाँ से जा रहा हूँ इटली और इटली एयरपोर्ट पे मैं पहुँच के आप लोगों को इटली एयरपोर्ट भी दिखाऊँगा, इटली मतलब मिलान के एयरपोर्ट पर हम उतरेंगे क्योंकि हम मिलान जा रहे हैं। और यूँ ही हम लोग के साथ बने रहें और यूँ ही मेरे ब्लॉग को देखते रहें। अभी मेरा जो ब्लॉग आज का अभी एंड नहीं होगा, एंड अभी जो होगा इसका मिलान में जाके, तो मेरे साथ यूँ पर बने रहें और आगे आगे देखते रहें, जो मैं देखता हूँ आप लोगों को भी साथ साथ में दिखाता रहूँगा। और मेरे साथ इसी तरह से आप लोग रहना, मेरे साथ इसी तरह से मेरे यूट्यूब चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और बेल का बटन दबाना ना भूलें। ये चीज़ मैं बार बार आप लोगों को बोल रहा हूँ, इस चीज़ पर आप लोगों ने हमेशा कायम रहना है। तो प्लीज़ जल्दी से मेरा वॉच टाइम जो है, मेरा वॉच टाइम गया फिनिश। हम लोग पहुंच चुके हैं, लैंड कर चुके हैं और अभी हम यहां पर एयरपोर्ट पे पहुंच चुके हैं। मैं आप लोगों को कैमरा घुमा के दिखाता हूं, ये रहा मिलान का एयरपोर्ट। हम यहां पर इस वक्त मौजूद हैं और मेरा दूसरा दोस्त अभी तक नीचे नहीं उतरा और मैं तो नीचे आ चुका हूं।
चांद की रोशनी देखे, चांद की रोशनी नहीं है, ओनली जस्ट चांद नज़र आ रहा है, लेकिन थोड़ा सा चांद नज़र आ रहा है। और मिलान एयरपोर्ट पे पहुंच गए हम लोग। अभी मेरा दोस्त जो है वो वेट कर रहा है वहाँ पर, जो मेरा दोस्त है उसका जो भाई है वो भी, उसका भाई भी वहाँ पर वेट कर रहा है, और जो हमारा दोस्त दुबई से आया है वो भी वहाँ पर वेट कर रहा है। अभी मैं देखूंगा, अभी पता नहीं वो ऊपर है या नीचे, नीचे आ चुका है, वो सामने खड़ा है। तो अभी हम थोड़ी ही देर में बाहर निकलेंगे और उन लोगों से मिलेंगे, देखते हैं और साथ में चलते हैं, निकलते हैं, साथ साथ आप लोगों को भी लेता चलूँगा। तो अभी मेरा ख्याल में ऊपर जाना पड़ना है हम लोगों को, सीढ़ियों से ऊपर जाना पड़ना है, सीढ़ियों से ऊपर जाते हैं फिर मिलते हैं ऊपर जाके ना। ले जी गाइस, हम लोग ऊपर आ चुके हैं और अभी हम जो है जा रहे हैं इस साइड पर, मैं आपको दिखाता हूँ उधर साइड से। शायद कैमरे का वो जो था नीचे गिर गया था, चले कोई नहीं। अभी बस थोड़ी देर में हम लोग जो है वो बाहर निकलेंगे। और ये जो उसका था वो ऊपर से गिर गया कैमरे के, मैंने वो सामने लगाया हुआ था, इसका जो लेंस है अचानक ही ऊपर से गिर गया, लेकिन खैर बच गया है, कोई नुकसान नहीं हुआ लाइक। तो चले मिलते हैं, अभी दोस्त भी बस हम पहुंचने वाले हैं टर्मिनल वन पे हम लोग। जी जनाब, अभी हम लोग जो है दी बॉस रेस्टोरेंट है इधर ब्रेशिया में, उधर आके बैठे हैं। वहाँ पे हमने खाना खाया, खाना खा के हम लोग अभी जस्ट फारिग हुए। अब मैं थोड़ा सा ये दिखाता हूँ रेस्टोरेंट यहाँ से ब्रेशिया में। ये अदनान और उसका भाई, छोटा भाई है इसका, और ये अदनान है, और ये दोस्त है इनका, नाम बताएं अपना, अली, अली रजा, अली रजा। और ये इधर मेरे साथ टिकटॉक के गिफ्टर 40 लेवल वाले, दुबई से यहाँ से स्पेशली आए हैं, देख लो कुड़िया ने गिफ्टिंग कर करके तो डेट मेरे नाल कुड़िया ने गिफ्टिंग कर करके डेट मेरे नाल तो ये रेस्टोरेंट देखे दी बॉस नाम है, और इसके साथ ये जो बैक साइड पे है ना, ये बैक साइड पे ये सारे वो कमरे बने हुए हैं फैमिलीज के लिए, फैमिलीज़ के लिए कमरे बने हुए हैं। काफ़ी अच्छा खाना, मज़ा आ गया, देसी चाय अमेजिंग, गाजर का हलवा ज़बरदस्त अमेजिंग था। वहीं थोड़ी देर चाहिए इतों निकलेंगे तो घर की ओर निकलेंगे, फिर मैं उत्थे जाके तो टिकटॉक पर लाइव आऊँगा, तो हो सके तो ज्वाइन कर लियो, ना हो सके तो फिर आओ। ये देखें जी, हम लोग अभी ये ब्रेशिया, अभी कौन सी जगह है ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन हाँ हम यहाँ पर आए हैं। लेकिन यहाँ की जो बिल्डिंग्स मैं देख रहा हूँ ना, वो इट्स लाइक के कैसे बताऊँ, लाहौर जाएँ तो वहाँ पर जो किला नहीं है, एक किला है लाहौर का बादशाही मस्जिद, पता नहीं क्या बोलते हैं उसको, के उस तरह के कुछ सीन है यहाँ पर बिल्डिंग्स के। या लेकिन अच्छी हैं, प्यारी हैं, साफ़ सुथरी है। लास्ट टाइम मैं जब आया था ब्रेशिया में घूमा था, लेकिन अदर साइड पे, और वेनेजिया, वेरोना, मिलान, मोदना में, इन शहरों में गया था, और ये भी ब्रेशिया का एक हिस्सा है। और अभी हम लोग यहाँ पर जा रहे हैं, वो सारे मेरे दोस्त आगे जा रहे हैं और मैं पीछे हूँ, लेकिन यहाँ बहुत अच्छी जगह है, बहुत प्यारी है, साफ़ सुथरी। और अभी हम घर की तरफ जा रहे हैं, और ये था मेरा आज का सारा दिन का व्लॉग जो आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया, आप लोगों को मैंने दिखाया। अभी हम थोड़ा सा वॉक करके इसलिए जा रहे थे कि ताकि थोड़ा सा टांगे भी हमारी खुल जाएँ, गाड़ी पर बैठ के उधर कभी कहीं पर बैठो, कभी कहीं पर बैठो, तो वो चीज़ जो है थोड़ा सा टांगों को खोलने के लिए वॉक जो है वो कर रहे थे। लेकिन या अच्छा लगा, जिनके पास हम आए वो भी बहुत अच्छे, बहुत इन्जॉय किया। तो अभी हम घर जा रहे हैं, घर जाके मैं कोशिश करूँगा कि मैं लाइव आऊँ टिकटॉक पे लाइव आऊँ। ये देखें, ये अभी ब्रिज है जिसके नीचे से हम गुज़र रहे हैं, और यहाँ से ऊपर से पानी के कतरे भी गिर रहे हैं ब्रिज के ऊपर से।
पता नहीं कुछ ऊपर से गीला होगा, और ये सीढ़ियाँ जो जाती हैं ऊपर साइड पे सीढ़ियाँ हैं जो ऊपर को जाती हैं। अरे यार कमाल का है ये, सामने देखो कितना कमाल का है ये, देखो सामने ये देखें इधर से ये देखें, पहाड़ी इलाका है ना तो ये ऊंची नीची हर तरफ, और बिल्डिंग भी प्यारी हैं, लेकिन यार इस लाइक पता नहीं मुझे समझ में नहीं आ रहा कि बिल्डिंग्स को मैं क्या नाम दूँ या क्या कहूँ, लेकिन बहुत प्यारी है, ओल्ड है लेकिन बहुत ही प्यारी है, मुझे तो बहुत पसंद आई। कुछ कलरफुल भी कह लें कि कलरफुल भी हैं, येलो कलर, पिंक कलर, इस तरह से ये ब्लू कलर इन बिल्डिंग्स के ऊपर हुए हुए हैं। अभी तो काफ़ी रात हो चुकी है, तकरीबन रात के 1-12 का टाइम हो चुका होगा। वे उत्ते तक वे तुम किधर तक की जान दें, मेरा बूथा इधर, एक तो कैमरा जो है ना समटाइम इसको ना थोड़ा लकवा पै जाता है, सो अच्छा है इन्जॉय कर रहे हैं। तो इस ब्लॉग को मैं अभी नहीं एंड करूँगा, गट पे जाके एंड करता हूँ, सही है। तो मिलते हैं फिर एक ब्रेक के बाद। लो जी गाइस, कल का ब्लॉग तो मैंने ख़त्म नहीं किया, इसी रास्ते से रात को जहाँ पर हम चल रहे थे आज दिन में भी वहीं से हम वापस जा रहे हैं नाश्ते के लिए, और धूप यहाँ पर देखें कितनी मज़े की लगी हुई है, कितनी मज़े की धूप लगी हुई है, और दिन में मैं फ्रेश फ्रेश नहा धो के बाद निकल चुका हूँ इस तरह, और नाश्ते के लिए हम लोग जा रहे हैं। अगर आप लोगों ने हमें ज्वाइन करना है नाश्ते पे तो आ सकते हैं, हमें ज्वाइन कर सकते हैं। और मैं जो आप लोगों को वो बिल्डिंग्स दिखा रहा था, ये बैक साइड पे मेरे बिल्डिंग्स देख सकते हैं, ये ब्रिज जहाँ से ऊपर से गट गया और नीचे से, हम इससे थोड़ा आगे जाके तो रहते हैं जहाँ पर हमने स्टे किया हुआ है दोस्तों की तरफ, और ये जो बिल्डिंग्स चेक कर रहे, यहाँ की बिल्डिंग जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है जर्मनी के नस्बत, इस लाइक येलो कलर, और बालकोनी की ऐसी हैं कि जैसे लाइक पाकिस्तान शहरों में होती है ना बिल्डिंग्स, वैसे लाइक होती है इधर भी बिल्डिंग, लेकिन हाँ ये ब्रेशिया का वही जो मैं रात को बता रहा था आप लोगों को, ये वही हिस्सा है इस टाइम, ये इस साइड पे ये गार्डन है एक छोटा सा, और वो मेरे ख्याल में कोई सेल्समैन है या स्टूडेंट्स हैं, ये पीछे मेरे बस आ रही है पता नहीं किधर जाने के लिए, तो नाम लिखा हुआ है होली मालू बोल बोल जो भी है वॉट आया, मेरे को नहीं इटालियन आती, तो अभी नाश्ते पे जा रहे हैं। तो आज का व्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, और बेल का बटन दबाना मत भूलें। मैं अगला व्लॉग स्टार्ट करूँगा अपने नाश्ते से, सही है। तो यहाँ का व्लॉग, ये कल का जो व्लॉग है आज पे ख़त्म करता हूँ, मॉर्निंग में स्टॉप एंड गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के अंदर, बाय।